राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं आप लोगों को साथ मेरा मायका में कौन कौन है मैं आप लोगों को आज बताती हूँ। हम लोग ना 5 बहनें और 1 भाई हैं, और ये यहाँ पे ना भगवान को बिठाया है। मम्मी ये है, नमन भी यहाँ पे था, ये मेरा छोटी बुआ छोटी बहन है, और यहाँ पे ना 3rd नंबर बुआ भी है। तो हम लोग यहाँ पे मेरा भाभी कुछ खाने पकाने के लिए ना मसाला पीस रहे थे, और अदर साइड में मेरा आंटी बैठी थी, बराबर तो दिख ही नहीं रहे हम। उसके बाद मैं फिर से मेरा बहन लोगों के पास आ गई, और रिश ना यहाँ पे कुरमुरा कर रहा था। ये मेरा एक बहन का लड़का है, वो रविंद्रनाथ टैगोर का ड्राइंग कर रहे था, तो उसमें वो कलर भर रही थी। उसी टाइम ना हम लोग नाश्ता कर रहे थे, तो नाश्ता में कुरमुरा बटाना का सब्जी और कांगड़ी कंदा ये सब था। और मेरा पिताजी भी ना साइड में बैठा था, और मेरा बहन कांगड़ी काट रहे थे। और हम लोग सब लोग नाश्ता करने का बाद है ना खाना बनाने के लिए गया। तो मेरा मायका में ना चिकन मटन बाहर ही बनता है, घर का अंदर अलाउ नहीं है। मेरा भाई चिकन बना रहे थे और मैं मटन बना रही थी, तो मेरा भाई तो उसका फेस लाने के लिए मना किया, तो मैं चुपके से थोड़ा टाइम उसका फेस लिया हूँ। अरे देखिए यहाँ पे मैं बैठ के मटन बना रही थी। हम भाई बहन है ना, तो बागीचा में चिकन बना रही थी। तो बागीचा में ना बहुत सारा फ्रूट्स का पौधा था, जैसा लीची बनाना मैंगो जैकफ्रूट, बहुत सारा नींबू का पौधा भी था। तो उस समय है ना, तो मेरा भाभी तो घर का अंदर से कुछ बोल रहे थे, जो तुम लोग क्या कर रहे हो। तो हम लोग बोले आके देखो हम लोग क्या कर रहे। तो मैं थोड़ा सा उठ के भाई जो चिकन बना रहे थे ना वहाँ पे गया, तो देखा उसका ऑलमोस्ट चिकन बन के रेडी हो गया। तो मैं बोल रही थी मेरा तो अभी बहुत बाकी है मटर बनाने के लिए, तो बोले थे हाँ तू तो अभी बैठा है ना, थोड़ा तो टाइम लगेगा। जब मटन चिकन बन के रेडी हो गया ना, तो उसके बाद हम लोग घर पे आ गया। तो घर पे लंच के लिए सब लोग बैठे थे, और ये छोटा सा बच्चा है ना सोनो के, इसको हम लोग खाना खिला रहे थे। देखिए ये कितना मस्ती कर रहे है ना, उसका थाली सजा के उसका सामने रख दिया, तो वो पूरा थाली का हटाना पड़ा, क्योंकि वो बहुत उसमें दोनों हाथ डाल रहे थे। तो भाई का लिए हम लोग इंतजार कर रहे थे, तो थोड़ा टाइम का बाद भाई आ गया, और ये मेरा मामी भी उसका साथ बैठ के उसको खाना खिला रही थी। उसका बाजू में ना हम बहन लोग सब लोग बैठ के वो जो कर रहे थे ना उसको देख के हम लोग बहुत मजा कर रहे थे। सब लोग बोल रहे थे हाँ तुम फटाफट खा लो, तो छोटा बच्चा है कुछ भी नहीं खा पा रहा है। जब मटन बना रही थी ना, तो मटन जल्दी पक ही नहीं रहा था, बहुत ही टाइम लग रहा था। तो मेरा भाई बोल रहे थे पहले बोलना चाहिए ना तुमको, तो पपाया थोड़ा डाल देते थे वो जल्दी पक जाता था। तो मैंने बोली हाँ अभी तो आइडिया दे रहे हो, तब तो वहाँ पे कोई नहीं था, मैं अकेला ही खाना बना रही थी, तुम लोग तो सब आ गया। हम लोग जब भी वहाँ पे कोई भी खाना बनाते ना, सब लोग साथ में जाके मिल के बनाते, मैं अकेली बना रही थी और कोई नहीं गया था वहाँ पे। तो उसी टाइम मेरा एक भाभी था, तो मैं उसको बुला के थोड़ा बहुत बातें कर रही थी उन लोगों के साथ, और एक बहन भी जाके खड़ा हुआ था वहाँ पे। और इस टाइम ना मायका में सब लोग अभी इकट्ठा हो के सब एक साथ में बैठे था बच्चा का खाना खाने देखने के लिए। तो देखिए सब लोग साथ में हम लोग कैसा बैठे थे उस दिन यहाँ पे ना, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं साल में एक ही बार गांव जाती, तो मायका में थोड़ा दिन जाके रुकती हूँ ना, तो अच्छा लगता है मुझे। उसी टाइम ना सोनों के एक प्लेट में पापड़ रखा था, वो पूरा निकाल के ले लिया। तो हम लोग बोले अरे बाबा ये तो सभी ले रहा है, देखो खाया तो नहीं रहे से फेंक रहा है।
ये बाबू को ना खाना सब लोग बैठ के खिला रहे थे। तो मेरा एक बहन का लड़का है ना, वो 6-7 साल का है, तो वो भी बहुत ही गुस्सा में बेडरूम में चला गया। तो बोल रहे थे मुझे तो कोई प्यार नहीं करता है, मुझे तो कोई ऐसा खाना नहीं खिलाता है और मेरा कोई भी वीडियो नहीं लेता है। तो हम लोग उसको समझा रहे थे, तो तुम जब छोटा था तुमको भी हम लोग ऐसा करके खाना खिला रहे थे, तो वो तो मान ही नहीं रहे था। तो बेडरूम में जाके हम लोग बहुत टाइम उसको समझा रही थी, लेकिन वो किसी का ही बात नहीं सुन रहा था। बोल रहे थे हम तो आज खाना भी नहीं खाएंगे, कुछ भी नहीं, तो हम लोग यहाँ पे सो जाएंगे। तो बाबू को खाना खिला के जब सुलाई थी, तो मैं भी बोले तुम भी इसका साइड में सो जाओ, उसके बाद हम लोग तुमको भी ऐसा ही करके लेके जाके खाना खिलाऊंगी। तो बहुत टाइम समझाने का बाद वो थोड़ा मान गया। तो मेरा देखिए यहाँ पे वो गुस्से में बैठा है, बोल रहे थे मैं तो आज कुछ भी नहीं खाऊंगी। तो उसको हम लोग बहुत समझा के लेके आके खाना खिला रही थी। तो उसके लिए भी हम लोग फिर से थाली सजा के बैठे थे और उसको लेके आके हम लोग समझा के बिठाया। और मेरा मामी ना उसका आँख में दवाई डाल रही थी उसी टाइम। और उसके बाद हम लोग भी वहाँ पे बैठे थे, तो बैठ के उसका बोल रहे थे देखो तुम्हारा भी वीडियो निकालते हुआ अभी। तो मेरा बहन उसको थाली सजा के खाना खिला रही थी, तो मैं उसी टाइम ना एक स्पून लेके खीर खिला दिया था उसको। और उसके बाद ना मेरा मामी भी उसको खाना खिला रहे थे, तो थोड़ा बहुत खुश हुआ। तो उसके बाद अदर टाइम ना मेरा बहन को मैं बोल रही थी सुमन को एक बार आँखों का डॉक्टर दिखाने के लिए, क्योंकि वो ना बहुत बार आँख बंद कर रहे और खोल रहे हैं। तो हम लोग जैसा स्वाभाविक एक बच्चे लोग करते हैं ना, उससे ज़्यादा उसका पलक झपटता है। तो इसके लिए मेरा बहन भी बोल लेता है हाँ यहाँ से जाने के बाद उसको डॉक्टर को दिखा दूँगी। उसके बाद मैं भी खाना खाने के लिए गया था। तो यहाँ पे मैं जब खाना खाने के लिए गया था ना, तो मेरा दो बुआ अंकल सब लोग बैठ के खाना खा रहे थे। उसके बाद मैं जाके बैठी थी, तो मैं बोली थी थोड़ा बाद में खाऊँगी, इन लोग को खाना हो जाने दो। तो उसी टाइम मेरा बड़ी बहन बोल रहे थे नहीं तुम बैठ जा, तो मैं मेरा बहन साथ में बैठ गया था। हम लोग को खाना परोस रहे थे। और थोड़ा टाइम का बाद ना मेरा साइड में भाई अंकल सब लोग बैठ गया था, तो मेरा दीदी लोग भी बैठ के खाना खा रहे थे और बुआ खाना परोस रहे थे। तो मैं भी उसी टाइम यहाँ पे बैठ के इन लोग के साथ बातें कर रही थी। तो वीडियो अभी यहाँ पे एंड करती हूँ। बाय बाय, राधे राधे।